सर, केआरबीएल कैसा दिखता है? देखिए अभी रिसेंटली मतलब राइस स्टॉक्स वगैरह ये सब न्यूज में थे और उसके कारण काफी स्टॉक्स बढ़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे भी थोड़ा रनअप और बाकी है। केआरबीएल ने काफी बार मतलब अभी चार्ट में आपके दिख रहा है, काफी बार इन लेवल्स को तोड़ के ऊपर जाने का कोशिश किया है जो हमेशा फेल हुआ है, इस बार ये हाई पे है। तो डेट मतलब अगर डेट टू इक्विटी आप अगर देखो तो 0.78%, वो जो काफी चीप है, और मुझे लगता है कि ये आपको करीबन 425 तक दिखा सकता है। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं इसके, शायद इंडिया गेट इसका प्रोडक्ट है, शायद 100% श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ एक एलटी फूड्स है दावत करके, वो उनका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ये अच्छा है। और जो क्या बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसका बेनिफिट भी इस कंपनी को मिल रहा है। मेरे हिसाब से कई लोग आज जो सुन रहे हैं इनफैक्ट लूज चावल खरीदने के बदले ऐसे पैकेट्स खरीदना ऑलरेडी चालू कर दिए रहेंगे। केआरबीएल बुलिश लग रहा है, 425 तक जा सकता है। सर ये वही इंडिया गेट वाला ही है ब्रांड, ठीक है ना, हाँ केएलबीएल। हाँ, और एक और जो ब्रांड है वो है दावत, जो भी आप कह रहे थे एल्टी फूड्स वाला। एलटी फूड्स हाँ वो भी अच्छा अगर लग रहा है स्टॉक। एलटी फूड्स भी मतलब दोनों राइस प्रोसेसिंग में है और जाएंगे तो ये दोनों इक्वली ही बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से अगर केआरबीएल 10% रिटर्न्स दे सकता है तो एलटी फूड भी आपको आराम से दे सकता है। और पिछले कोविड के टाइम में एलटी फूड्स मैंने शायद 60 रुपया या 55 रुपये में खरीदे थे। अफकोर्स उसके बाद में बुक कर लिया था, प्रॉफिट 100 के ऊपर आते ही वापस नीचे गया, वापस अभी 100 के ऊपर है, तो आई थिंक दोनों बाई रहेगा। दोनों में से एक अगर लेना हो सर तो दोनों में से अगर एक लेना हो तो मैं एल्टीफूड्स ज्यादा प्रेफर करूंगा।